हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2B। क्वेश्चन नंबर 1, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें ये सारे जो पार्ट्स दे रखे हैं इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो फ्रेंड्स, आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी हम डेसिमल को राइट से लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे तो हमारी 10 की पावर्स उतनी बढ़ती जाएगी। और कैसी पावर्स बढ़ेंगी, वो प्लस में, हमें कोई माइनस नहीं लगाना है। ओके, नाउ स्टार्ट पार्ट नंबर फर्स्ट। 57.36 है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए एक डिजिट से यहां पर, एक डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए, डेसिमल होना चाहिए। हमारा डेसिमल 7 के बाद है, तो इसको यहां लेकर आएंगे तो क्या लिखेंगे, 5.736 मल्टीप्लाई। हमने डेसिमल को कितने प्लेस शिफ्ट किया, ओनली 1 ना, तो क्या आ जाएगा यहां पर, 10 की पावर 1। दिस इज आंसर। सेम ऐसे ही सेकेंड पार्ट है, इसको क्या लिखेंगे, इसमें तो कहीं पॉइंट ही नहीं है, तो आप मान सकते हो कि इसका पॉइंट लास्ट में है। तो यहां से स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो कहां पर आया, 3.5। और कितना हम उसको लेफ्ट में लेके गए हैं, कितना प्लेस हमने उसको शिफ्ट कराया है, 6। तो आंसर हुआ 3.5 × 10 की पावर 6। सेम ऐसे ही डेसिमल लास्ट में है, 1, 2, 3, 4, 5, तो क्या आ जाएगा, 2.73 × 10 to the power 5। सेम ऐसे यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो क्या लिखेंगे, 1.68 × 10 की पावर 8। तो ये जो लास्ट में हमारी जीरोज होती हैं, हम इनको लेफ्ट कर देते हैं। फिफ्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं, यहां पर पॉइंट लेंगे लास्ट में, अगर इसमें कहीं नहीं है तो यहां से काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। तो क्या आया, 4.630 लेफ्ट करेंगे और कितना आया था हमारे पास, 12 प्लेस हमने शिफ्ट कराया, तो पावर कितनी आ जाएगी, 10 की 12। ओके, आप देखो इसमें ऑलरेडी 10 की पावर 5 है, अभी हम इसको नहीं देखेंगे, सिर्फ 3, 4, 5 देखा, तो क्या आएगा, 3.45। हम कितना लेफ्ट में लेके गए हैं, डेसिमल मान लो कि लास्ट में है, तो 2 प्लेस शिफ्ट कराया, तो 10 की पावर 2, और यहां पर है 10 की पावर 5। 5 + 2 कितना हो जाएगा, 7, तो क्या आ जाएगा, 3.45 × 10 की पावर 7। दिस इज आंसर। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2, जस्ट अपोजिट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के। हमें क्या दे रखा है इसमें, इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखे हैं, अब हमें यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मींस कि जो पावर्स दे रखी हैं वो हमें इसमें हटानी होंगी। ओके, तो क्या करेंगे, तब भी पावर्स हमें यहाँ पर प्लस में दे रखी है, तो डेसिमल को हम राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे। ओके, अब जितनी भी पावर होगी उतना प्लेस उसको शिफ्ट करा देंगे, तो क्या आ जाएगा इसका, 3.74 है, तो पॉइंट हटाया 74, और यहां से 5 राइट में ले जाओ, तो 1, 2, 2 तो हो गया यहां तक खत्म। अब क्या करेंगे, 3, 4, 5, उतनी ही हम इनमें जीरोस एक्स्ट्रा लगा देते हैं, तो ये हुआ हमारा आंसर। ओके, सेम ऐसे ही नेक्स्ट, 6, 9, 1, 2, तो यहां पर जो हमारा डेसिमल है उसको शिफ्ट कराएंगे तो 1, 2, 3, 3 डिजिट इधर शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन हमें तो 8 कराना है, तो 3 के बाद 4, 5, 6, 7 एंड 8, तो क्या करेंगे इसमें हम इतनी जीरोस लगा देंगे। नेक्स्ट 4, 1, 2, 5, 3 लिखेंगे इस नंबर को पूरा एज इट इज, 7 है इसकी पावर, तो 1, 2, 3, 4 डिजिट्स तो यही हो गई हैं, 5, 6, 7 3 जीरोस लग जाएंगी। नेक्स्ट 2.5 है तो 25, यहां से काउंट करा, 1, 2, 3, 4 4 पावर थी तो कंप्लीट हो गया। 5.17 को लिखेंगे 517, पावर 6 है तो 1, 2, 2 डिजिट्स तो यहां पर शिफ्ट हो गया, 2 के बाद 3, 4, 5, 6 पावर्स कंप्लीट। सेम ऐसे ही 1679, 9 पावर है, 1, 2, 3, 3 डिजिट्स ये कवर हो गई हैं, कितनी बची, 6, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिस इज आंसर। नाउ स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज 8848 मीटर हमें गिवन है। ओके, राइट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, मींस कि हमें 8848 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। तो हम इसे क्या लिख देंगे, 8.848, हमेशा एक डिजिट के बाद हमें यहाँ पर डेसिमल लगाना है।
कितना डेसिमल को हमने कितना प्लेस शिफ्ट किया है, 3 प्लेस ना, मींस कि जैसे हम मान सकते हैं कि लास्ट में था हमारा डेसिमल, तो 1 2 3 3 हम उसको लेफ्ट में लेके गए हैं, तो कितनी पावर लग जाएगी हमारे यहाँ पर, 10 की पावर 3, और साथ में क्या था ये, मीटर, तो इसका आंसर लिख देंगे ऐसे। ओके सेकेंड, यहाँ पर क्या दे रखा है हमें, 3, और इसके बाद सब 0 है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, सिर्फ 3 × 10 की पावर, लास्ट में डेसिमल है 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ लेके आ रहे हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे, 10 की पावर 8। यूनिट क्या दे रखी है यहाँ पर, मीटर पर सेकेंड, ऐसे लिखेंगे। सेम ऐसे ही नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, 1.496, कितना हम डेसिमल लेके जा रहे हैं, कितने प्लेस पे हमने इसको शिफ्ट करा है, लास्ट से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, तो क्या आ जाएगा, × 10 की पावर 11। यूनिट क्या थी यहाँ पर, मीटर ना, तो यहाँ पर भी क्या लिख देंगे, मीटर। ओके नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4th, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मास ऑफ अर्थ हमें गिविन है 5.97 × 10 टू द पावर 4, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं मास ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू 5.97 × 10 की पावर 24 kg। ओके एंड मास ऑफ मून गिविन है हमें साथ में इज इक्वल्स टू 7.35 × 10 की पावर 22 kg, राइट। व्हाट इज द टोटल मास ऑफ द टू, दोनों का मींस अर्थ और मून का हमें टोटल मास बताना है, तो टोटल के लिए फ्रेंड्स क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं, तो लिखेंगे टोटल मास ऑफ मून एंड अर्थ, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे, क्लियर, प्लस 7.35। बट अभी हमें इसमें कुछ चेंज करना है, यहां पर 10 की पावर 24 है और यहां पर 10 की पावर 22 है, तो पहले हम पावर्स सेम बनाएंगे, अदरवाइज ऐसे हम कभी भी ऐड नहीं कर पाएंगे कि इसमें पावर 24 है और इसमें पावर 22 है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर पावर 24 है तो इसको 22 कर देंगे, तो हमने लिखा 10 की पावर 22, तो मींस इसमें से हमने क्या करा, 10 की पावर 2 को सेपरेट कर लिया, मींस 100, तो 100 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो क्या आ जाएगा, 597। अब यहाँ पर क्या, 2 पावर कम हो गई, हम इसमें राइट में लेके चले गए हैं, या बोल सकते हैं 100 से हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको लिखेंगे हम एज इट इज। ओके अब देखो दोनों में पावर क्या हो गई है, सेम, तो क्या लिखेंगे, 597 + 7.35, और ये जो 10 की पावर 22 है उसको कॉमन ले लिया, या बोल सकते हैं कि बाहर लिख लिया। अब 597 के बाद पॉइंट लगा के 0 0 लगा लेंगे ऐड करने के लिए, अब इसको ऐड करेंगे 5 3 decimal 14 9 और 1 10 and 5 और 1 6, तो कितना आया, 604.35 × 10 to the power 22, और मास निकाला है तो हम क्या यूनिट लगाएंगे इसमें, केजी, दिस इज आंसर। नाउ स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, हमें ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने हैं। अब देखो डेसिमल को हम कहाँ लेके आ रहे हैं, राइट में, तो राइट में तब हम लेके आएंगे, तो 10 की पावर हमारी होगी माइनस में। ओके जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में पावर्स प्लस में थी, इसमें आएंगी पावर्स माइनस में, ठीक है, तो देखो इसको पॉइंट को हम यहाँ लेके आ रहे हैं, तो 1 2 2 राइट में लेके आ रहे हैं ना, तो क्या आएगा, 0.6 × 10 to the power माइनस कितना आया हमारा यहाँ पर, ये 2 decimal में आया है, सॉरी फ्रेंड्स क्वेश्चन में यहाँ पर एक और 0 है। ओके तो क्या आएगा, 0.6 × 10 की पावर -3, और अगर आप चाहते हो तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो, डेसिमल को एक और हम राइट में ले जाएं, तो 6 × 10 to the power -4, बोथ आर द करेक्ट आंसर्स। ओके नेक्स्ट डेसिमल यहाँ पर लेके आएंगे 8.3 × 10 की पावर, कितना शिफ्ट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्लेस हमने शिफ्ट किया है ना, तो पावर -7। नेक्स्ट इज 5.34 × 10 की पावर माइनस, कितना शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ से,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 बार हमने शिफ्ट किया है ना, उसको 8 प्लेस से शिफ्ट कराया है, तो 10 की पावर -8। नेक्स्ट यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा 2.7 इंटू 10 की पावर 1, 2, 3 -3। ओके नेक्स्ट 1.65 नोट करेंगे इंटू 10 टू द पावर, यहां से 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो मींस -6। ओके नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, पार्ट नंबर 6, क्या लिखेंगे इसको, 6.89 इंटू 10 टू द पावर -, कितना यहाँ है, इसको शिफ्ट करा रहे हैं हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, पावर माइनस में आएगी हमारे पास 9। ओके नाउ स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 माइक्रोन इज इक्वल्स टू, ये गिवन है, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/10, कितना है ये, 10 की पावर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 जीरोज है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। ओके अब जो हमारा ये नीचे पॉजिटिव पावर है, मैं इसको कहाँ लेके जाऊंगी, स्टैंडर्ड में लिखने के लिए ऊपर, और जब पावर नीचे से ऊपर जाती है तो क्या हो जाती है, माइनस, तो ये आंसर और मीटर यूनिट थी, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, मीटर। सेम ऐसे ही नेक्स्ट सेकंड पार्ट है, साइज ऑफ बैक्टीरिया ये है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो हम यहाँ से डेसिमल लास्ट में लेकर चले जाएंगे, तो कितना आएगा, 4 × 10 की पावर -, कितनी आएगी, यहां से शिफ्ट करा रहे हैं ना, तो यहाँ काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, तो क्या आ जाएगा, -7, और यूनिट क्या दे रखी है इन्होंने हमें, मीटर, यहाँ पर देखनी है यूनिट और वो यहाँ पर लगानी कंपलसरी है। ओके नाउ स्टार्ट नेक्स्ट, 0.03 है, तो डेसिमल यहाँ आ जाएगा लास्ट में, तो क्या बन जाएगा, 003, मीन्स हम उसको क्या राइट कर सकते हैं, 3 × 10 टू द पावर 1 एंड 2, तो -2, और क्या दे रखी है, यूनिट mm मींस मिलीमीटर, दिस इज द आंसर। नाउ स्टार्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म, हमें ये यूजुअल फॉर्म में लिखना है, मींस पावर्स को हटाना है, तो फ्रेंड्स मैंने आपको बता भी रखा है, जब पावर माइनस में होगी तो डेसिमल को राइट में लेके जाएंगे। ओके तो क्या लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास 2.06 है, तो हम इसको लिख देंगे 206। ओके डेसिमल यहां पर था ना, तो इसको 5 राइट में ले जाएंगे, तो 1 राइट आ गया है, 2, 3, 4, 5, तो डेसिमल यहाँ आएगा, और इसके आगे भी हम क्या लगा देंगे, 1, 0, तो ये हमारा आंसर हुआ। ओके नेक्स्ट 5 है, पावर -7 है, तो 7 बार हम इसको पीछे लेके जाएंगे डेसिमल को, तो एक डिजिट तो यहां पर यही हुई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पर डेसिमल लगा के 0। ओके नेक्स्ट 6, 8, 2 लिखेंगे, ऑलरेडी इससे पहले एक डिजिट आ चुकी है, तो 6 है तो 1 डिजिट ही आ गई है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये आंसर हुआ। ओके नेक्स्ट 5, 6, 7, 3, 4 है, तो यहाँ पर डेसिमल था ना, ऑलरेडी 1 डिजिट हम शिफ्ट कर चुके हैं, मीन्स इसको 1 काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4 डेसिमल का आएगा यहाँ पर। ओके नेक्स्ट 1.8 है, तो 18 लिखेंगे, ऑलरेडी ये 1 काउंट हो गया है, और 1, 0, 1, 2, तो डेसिमल यहाँ पर। ओके नेक्स्ट 4, 1, 2, 9, कितनी डिजिट काउंट हो चुकी है इसमें हमारी, 1, तो मींस 4 को 1 काउंट कर लेंगे, 1, 2, 3, डेसिमल आएगा हमारा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या लगा देंगे हम अपनी तरफ से, 0। ओके दिस इज आंसर, आई होप आपको समझ आया होगा। स्टूडेंट्स प्लीज शेयर योर क्वेरीज एंड फीडबैक इन कमेंट सेक्शन, थैंक यू।